हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा और कमेंट करके अपने डाउट पूछे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो एक एक करके हम लोग सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो पहला डाउट ये था कि क्या इवेपोरेशन की प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पर होती है। हाँ, इवेपोरेशन की प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पर होती है, चाहे टेम्परेचर की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 100 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 200 डिग्री सेल्सियस हो। क्लियर है? चाहे टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे -10 डिग्री सेल्सियस हो, बट 0 केल्विन पर इवेपोरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 0 केल्विन पर टेम्परेचर ही 0 है, मतलब 0 केल्विन पर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वही नहीं होती, मतलब वो 0 होती है, इसलिए 0 केल्विन पर इवेपोरेशन नहीं होता है। और सेकेंड डाउट जो पूछा गया सबसे ज्यादा, कि जो लास्ट क्लास में उन्होंने ग्राफ पढ़ा हुआ था वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, उस ग्राफ में बहुत सारे लोगों को डाउट है। तो देखो, हम लोग समझते हैं वाले ग्राफ को। तो देखो, जैसा कि याद होगा सबको कि ये इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने, डी बाई डी टी एलएन वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो डी एल एन वेपर प्रेशर इक्वल टू, मैंने डी टी को वहां शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर आएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर, और ये क्या आ गया, डी टी आ गया। क्लियर है? चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इस बार। तो इंटीग्रेशन डी एल एन वेपर प्रेशर हो गया इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर, ये कांस्टेंट है, तो यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/T² dt। क्या आ रही बात आप लोगों को समझ में? ठीक है, तो अब देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, एलएन वेपर प्रेशर होगा इक्वल टू, ये लिखा हुआ है डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/T होगा, और प्लस क्या आएगा यहां पर, सी। सी मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? ठीक है, तो अब देखो इस कांस्टेंट को, सी मतलब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हो। तो देखो मैंने यहां पर सी की देखो वैल्यू क्या रखता हूं, मैंने क्या किया यहां पर, एल एन वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर हो गया, और ये -1/T है। ठीक है, और प्लस सी मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, तो मैंने यहां कांस्टेंट की वैल्यू तो क्या रख दी इसको, यहां पे मैंने एल एन ए मान दिया, तो ए भी कांस्टेंट है, एल एन ए कांस्टेंट, तो सी मतलब तो कोई कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उसको एल एन ए मान लिया। ठीक है ना, तो अब देखो अब इस एल एन को यहां शिफ्ट करो, तो यहां पर क्या आएगा, एल एन वेपर प्रेशर माइनस एल एन ए इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर इंटू -1/T। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए बाई बी होता है, तो इसको चलो और सॉल्व करते हैं हम लोग। एल एन वेपर प्रेशर बाई ए आ गया इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर -1/T। क्लियर है? अब ये एल एन लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको एंटी एल एन लूंगा तो ई की पावर में चला जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर डिवाइड बाई ए इक्वल टू ई की पावर डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर इंटू -1/T। मैंने वेपराइजेशन नहीं लिखा, ठीक है ना, तो समझ जाना वो। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, तो पहले देखो आप लोग नोट करते थे साथ में, तो मैं इस साइड में रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां तक समझ में आया होगा, तो इसमें ए को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो यहां पर लिखा होगा, यहां पर आएगा वेपर प्रेशर इक्वल टू ए इंटू ई की पावर
माइनस डेल एच बाई आर, या फिर इसको लिख दिया ये, और माइनस वन बाई टी लिखा हुआ है, क्लियर है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब देखो मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो 1 बाई टी की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई टी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्लियर है? और 1 बाई टी डिक्रीज करेगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं माइनस 1 बाई टी की वैल्यू क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो 1 बाई टी क्या होगा, वो सॉरी, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो 1 बाई टी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। 1 बाई टी डिक्रीज करेगा तो माइनस लगा दोगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। कैसे पता इंक्रीज करेगी, तो अगर मैं बताऊं कि माइनस, अगर आप 2 लिख दो 3 लिख दो, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 3 वैल्यू ज्यादा है। अगर मैंने माइनस लगा दिया तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, माइनस 2 ज्यादा है। यानी माइनस करने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर मैंने माइनस लगाया तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो माइनस 1 बाई टी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, इंक्रीज करेगी। यानी ये तो सब पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी ये वाली सारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यानी ई की पावर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ई की पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी वेपर प्रेशर क्या होगा, ई की पावर में इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। यानी मैं यहां से बना सकता हूं ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। देखो तो मुझे इतना आइडिया लग गया कि देखो कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो ये वाली पूरी वैल्यू इंक्रीज करेगी और ई की पावर में इंक्रीज करेगी। इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ग्राफ होगा। तो मैंने देखो एक्सपोनेंशियली ग्राफ बना दिया ये, ठीक है। अब मुझे ये पता, ये कैसे पता चला कि ये वाला पॉइंट जीरो होगा, तो चलो मैं वो भी आपको बताने को ट्राई करता हूं यहां पर। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां टेम्परेचर की वैल्यू जीरो कर दिया, टेम्परेचर मैंने कितना मान लिया, जीरो, तो जैसे आप टेम्परेचर जीरो लोगे तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर इक्वल टू ए इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं वन बाई ई की पावर डेल्टा एच बाई आर टी लिख सकता हूं, क्लियर है? तो अगर आप टेम्परेचर जीरो लोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 1 बाई टी लिखा हुआ है। अगर ये इंफिनिटी हो जाएगा तो e की पावर क्या हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा e की पावर इंफिनिटी आ जाएगा। और e की पावर इंफिनिटी मतलब क्या होता है, ये भी इंफिनिटी होता है और 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। यानी वेपर प्रेशर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां क्या आएगा, यह आएगा 1 बाई इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, यह होता है जीरो। तो जीरो का एम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ समझ में आ रहा होगा आपको, यानी टी टेम्परेचर जीरो पर क्या होगा, ग्राफ यहां पर होगा, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी, क्लियर है? देख लो तो नोट कर लो आप। तो मुझे लग रहा होगा शायद आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके फिर पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो मैं रफ कर रहा हूं, तो बच्चों कुछ लोगों को एक डाउट और था कि क्या मुझे लेक्चर्स देखने के साथ साथ नोट्स बनाने चाहिए। तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि आप एक बार पढ़ने के बाद एग्जाम तक याद रख सकते हो तो आपकी बात अलग है। अदरवाइज आप लोगों को क्या करना है, लेक्चर्स पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स भी तैयार करने हैं, और नोट्स सिर्फ तैयारी नहीं करने हैं, लेक्चर्स देखने के बाद नोट्स को रिवाइज भी करना है। और नेक्स्ट डे जब आप क्लास करोगे उसके पहले आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करके फिर क्लास करनी है, जिससे आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे समझ में आएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को, तुम लोग आगे डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट।
तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो अब हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वेपर प्रेशर के बारे में, और वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर की वैल्यू, वेपर प्रेशर जो होता है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। तो मैं यहाँ बात करूँ वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इस पे डिपेंड नहीं करता है, साइज या फिर शेप ऑफ कंटेनर। तो जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का, वो किसी भी लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, साइज ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इन भी किसी भी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लो ये कंटेनर दिया हुआ है, क्लियर है, और इसमें मैंने ये कंटेनर 1 लीटर का है और इसमें मैंने वाटर ले लिया। आ रही बात समझ में आप लोगों को? मैंने एक सेकेंड कंटेनर लिया, इसका वॉल्यूम मान लो 2 लीटर है। जितना वाटर मैंने यहां पर लिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैंने यहां पर भी लिया, क्लियर है। तो यहां पर मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं। पहली बात, इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, मैं टेम्परेचर से चेंज नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो दोनों लिक्विड सेम है, यानी नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, नेचर ऑफ गैस क्या है, लिक्विड सेम है। यानी वेपर प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर लिक्विड के नेचर पर, लिक्विड दोनों में सेम है, और दूसरा टेम्परेचर पर, मैंने टेम्परेचर को भी सेम कर दिया। तो मैंने इसमें क्या किया कि 1 लीटर के कंटेनर में जितना लिक्विड लिया था, सेम लिक्विड को मैंने 2 लीटर के कंटेनर में लिया। अब मैं वेपर प्रेशर बोल रहा हूं, तो वेपर प्रेशर मतलब वहां पर लिक्विड भी होना चाहिए और वेपर भी होनी चाहिए, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। तो मैं यहां पे वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, मतलब लिक्विड भी होगा यहां पर, इसकी वेपर भी होगी, और दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी रहेगा। यहां पर मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर भी क्या होगा, लिक्विड तो आई है, यहां पर भी क्या होगा, वेपर भी होगी, और दोनों के बीच में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम भी रहेगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम का प्रेशर, इक्विलिब्रियम पर जो वेपर प्रेशर लगाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, क्लियर है। तो यहां पर भी वेपर प्रेशर लग रहा है, यहां पर भी क्या होगी, वेपर बनी होगी, क्योंकि इवेपरेशन होगा, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर लग रहा होगा। तो देखो वेपर प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, तो हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं मैनोमीटर से, मेजर करते हैं प्रेशर को। तो क्या होगा, अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, तो यहां पर अगर आप मैनोमीटर लगाओगे और यहां पे मैनोमीटर लगाओगे, तो ये देखा गया कि दोनों साइड में यहां पे जो प्रेशर लग रहा था वही प्रेशर यहां पे लग रहा था, मतलब दोनों साइड में वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या थी, सेम थी। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होता है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है, साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है, शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्विलिब्रियम का प्रेशर होता है। अगर आप कंटेनर का साइज या शेप चेंज करोगे तो रेट ऑफ इवेपरेशन चेंज हो जाएगा, और रेट ऑफ इवेपरेशन चेंज होगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी चेंज हो जाएगा, क्लियर है। और वेपर प्रेशर मतलब होता है जो इक्विलिब्रियम का प्रेशर होता है, मतलब जब दोनों के रेट बराबर होंगे तब जब वेपर प्रेशर लगाएगी उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो यहां पर जितना वेपर प्रेशर लग रहा है उतना वेपर प्रेशर यहां पर लग रहा है, कैसे चेक करोगे, मैनोमीटर से, क्लियर है। अब आप यहां पर 1 लीटर वाटर ले लो, चाहो मैंने यहां पर कितना ले लिया, मान लो यहां मैंने ले लिया 5 ml वाटर ले लिया, ठीक है, और यहां पर मैंने कितना ले लिया, 5 ml वाटर ले लिया। तो यहां देखो वाटर का अमाउंट सेम है बट दोनों कंटेनर अलग अलग है, तो भी मैनोमीटर से नापा गया, ठीक है, मेजर किया गया, तो सारे दोनों का प्रेशर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था।
फिर क्या किया गया यहां पर, क्या किया गया, चेंज किया गया इसको 5 ml से मान लो 7 ml कर दिया गया। फिर इसका क्या किया गया, प्रेशर मेजर किया गया मैनोमीटर से, तो इसका प्रेशर फिर से क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होता है वो साइज ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ वाटर या फिर जो भी लिक्विड का अमाउंट है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है। आ रही बात समझ में? और वेपर प्रेशर होता किसका है, वेपर प्रेशर किसका होता है, लिक्विड का और सॉलिड का जो इवेपोरेट करता है। गैस का हमेशा पार्शियल प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर किसका होता है, लिक्विड का और सॉलिड का। और किस सॉलिड का, सारे सॉलिड का नहीं होता है, लिक्विड का तो सारे लिक्विड का होता है वेपर प्रेशर, बट सारे सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ उनका होता है जो वोलाटाइल होते हैं। अब वोलाटाइल क्या होते हैं, जो सॉलिड इवेपोरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेथिलीन हो गया, कैम्फर हो गया। आदि बात समझ में आप लोगों को, तो आप नोट कर लो इसको। अगर बच्चों आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बच्चों देखो, हम लोग इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे पूछा, जैसे मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, वेपर है, क्लियर है, और इस कंटेनर में वेपर है। मैंने बोल दिया कि इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है, और इसमें जो प्रेशर लग रहा है, कंटेनर में वेपर है तो प्रेशर लगा रही होगी, तो इसका प्रेशर कितना है, मान लो 800 mm है। आ रही बात समझ में? यहां पर सिर्फ वेपर है और कुछ नहीं है, तो बोलेगा इस वेपर को मैं दूसरे कंटेनर में अगर शिफ्ट करूं उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 20 लीटर है, तो पूछेगा बताओ यहां पे प्रेशर कितना लगेगा, और दोनों का टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आपको, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम गिवन है, इस कंटेनर का प्रेशर गिवन है, यहां पर ओनली वेपर है, ठीक है ना, वेपर या फिर आप गैस बोल दो, यहां पर भी सिर्फ वेपर है, तो बोला इस टेम्परेचर सेम है, बताओ दोनों का प्रेशर कितना होगा, तो आप बताओ क्या आंसर बताओगे, प्लीज कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका। तो देखो मैं बताऊंगा यहां पर, अगर सिर्फ यहां पर क्या है, वेपर है, तो गैसियस लॉ पढ़ा है हम लोगों ने, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो किसका लॉ, कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा, और बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1 इवन इक्वल टू P2 V2, यही तो होता है। तो यहां पर वॉल्यूम जो कितना हो रहा है, 4 times हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, 4 times half, मतलब 4 times कम हो जाएगा, यानी ऐसे भी चाव निकाल सकते हो, P1 की वैल्यू कितनी है, 800 है, V1 की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर है, P2 की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट करना है, V2 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो यहां से जो प्रेशर की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 200 mm। इसका मतलब अगर वॉल्यूम, तुमने यहां पे क्या किया, वॉल्यूम 4 times किया, तो प्रेशर क्या होगा आपका, 4 times कम हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, बॉयल्स लॉ से सॉल्व कर लिया, शायद आप लोगों ने भी सही किया होगा। अब देखो इसी के कंपेयर में देखो मैं एक सेकेंड क्वेश्चन देता हूं। तो बच्चे देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहां पर, ध्यान से सुनना, मैंने बोला यहां पर क्या है, लिक्विड है, क्लियर है, ये दूसरा कंटेनर है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहां पर इसका वॉल्यूम मान लो 5 लीटर है, और यहां पर बोलेगा कि यहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, मान लो 300 mm है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, बोला 5 लीटर के कंटेनर में लिक्विड था, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया 20 लीटर के कंटेनर में, सेम लिक्विड को डाल दिया, तो पूछ रहा यहां पर अगर वेपर प्रेशर 300 mm था, तो यहां पर इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, और दोनों का टेम्परेचर क्या दिया यहां पर,
कांस्टेंट दिया हुआ है। आ रही बात आप लोगों को समझ में? तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्लियर है? तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, यही सेम लिक्विड को बोल रहा है 5 लीटर से 20 लीटर कंटेनर में डाल दिया गया, यानी वॉल्यूम को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया। तो बोला वेपर प्रेशर में क्या इफेक्ट होगा, मैं बोल रहा हूं वेपर प्रेशर क्या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। अगर यहां पे वेपर प्रेशर की वैल्यू 300 होगी तो यहां पर भी वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 300 mm ही होगी, ये आपका आंसर होगा। आप यहां P1V1 = P2V2 मत लगा देना, क्यों? क्योंकि वो किस पे लगता है, सिर्फ वेपर पे लगता है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर क्या था, 5 लीटर में जो वेपर थी उसी को मैंने 20 लीटर के कंटेनर में शिफ्ट कर दिया था, तो यहां पर देखो प्रेशर चेंज हो गया, क्योंकि यहां पर सिर्फ वेपर थी यानी गैस थी, बट यहां पर लिक्विड बोल रहा हूं और मैंने वेपर प्रेशर बोल दिया है। अगर मैंने वेपर प्रेशर बोला है तो इसका मतलब होगा कि वहां पर लिक्विड भी है और वेपर भी है और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी है, जबकि यहां पर देखो सिर्फ वेपर थी, लिक्विड नहीं था। तो यहां पर लिक्विड भी है और वेपर भी है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी है, ठीक है? यहां पर भी मैं वेपर प्रेशर पूछ रहा हूं, मतलब यहां पर लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, समझ रहे हो आप बात को, और उनके बीच में इक्विलिब्रियम भी होगा। तो वेपर प्रेशर तो क्या होता है, यहां पर तो प्रेशर की बात हो रही है, क्योंकि गैस का क्या होता है, गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर किसका होता है, वो हमेशा सॉलिड और लिक्विड का होता है। वेपर प्रेशर किसका होगा, जो इवेपोरेट करेगा, तो सारे लिक्विड इवेपोरेट करते हैं, तो लिक्विड का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। मैं लिख देता हूं, तो जो लिक्विड होते हैं ठीक है और जो सॉलिड होते हैं इनका क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, जबकि गैस का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। आ रही बात समझ में? तो जो इवेपोरेट करता है वेपर प्रेशर उसका होता है, तो सारे लिक्विड इवेपोरेट करते हैं बट सारे सॉलिड इवेपोरेट नहीं करते हैं। मैं उन सॉलिड की बात कर रहा हूं जो वोलाटाइल है। अब वोलाटाइल मतलब जो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैम्फर हो गया या फिर नेफ्थलीन हो गई, ठीक है ना? तो जो वोलाटाइल है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है जबकि अदर्स गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। तो यहां पर वेपर प्रेशर की बात हो रही है, तो वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, क्लियर है? नोट कर लीजिए आप लोग। या फिर मैं आपको एक तरीके से और समझाना चाहता हूं, जैसे कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो जैसे मैं बात करूं यहां पर, अगर आप देखो लिक्विड दिया हुआ है, लिक्विड यहां पे क्या होगा, इवेपोरेट करेगा। मैं बोल रहा हूं यहां पर लिक्विड ज्यादा इवेपोरेट करेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है, जबकि यहां पर कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, 20 लीटर है, 4 टाइम्स है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो यहां पर इसके क्या होंगे, वेपर के मोल ज्यादा बनेंगे। यानी यहां पर अगर वेपर के 100 मोल हैं तो यहां पर वेपर के क्या होंगे, 400 मोल्स होंगे, क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया देखो इसका क्या है, 4 टाइम्स है। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ मोल बढ़ने से क्या होता है, अब यहां पर क्या हो गया, इसका वॉल्यूम एरिया भी बढ़ गया और नंबर ऑफ मोल भी बढ़ गए। तो प्रेशर अगर तुम निकालोगे, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां पर जितना फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा यहां पर भी फोर्स पर यूनिट एरिया सेम आएगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर और यहां पे वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, जबकि मैं बात करूं यहां पर वाटर कम इवेपोरेट करेगा और यहां पर वाटर ज्यादा इवेपोरेट करेगा। क्या समझ रहे आप मेरी बात को? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन सुन लो पहले ध्यान से। तो ये आपको एक कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर में बोल रहा है नाइट्रोजन है एंड वाटर है और दोनों में रिएक्शन नहीं हो रही, मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है? और बोल क्या रहा है यहाँ पर, टोटल प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी, इन दोनों का जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो 750 mm लग रहा है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और यहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है, कितना गिवन है, मैं चलो मान लेता हूं यहां पे कितना है, 50 mm है, क्लियर है आप लोगों को?
और ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और वाटर दिया हुआ है और इस कंटेनर का वॉल्यूम गिवन है, कितना वॉल्यूम गिवन है 15 लीटर। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी को नाइट्रोजन वाटर, ये जो 5 लीटर 15 लीटर कंटेनर है, कह रहा है इस पूरे मिक्सचर को मैंने क्या किया, इस कंटेनर में डाल दिया, ठीक है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। तो जब इस मिक्सचर को इसमें डालोगे तो यहां पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन होगा और क्या होगा, वाटर होगा, तो यहां पर भी रिएक्शन नहीं हो रही है। और उसने कंडीशन दे दी कि दोनों का टेम्परेचर कितना है, सेम है, मतलब दोनों का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, क्लियर है। तो यहां वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है यहां पे कि टोटल प्रेशर बताओ कितना होगा, पहला बात ये, और दूसरी बात कि नाइट्रोजन का प्रेशर बताओ कितना होगा, और थर्ड क्वेश्चन कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा। तो आई बात को आप लोगों को समझ में, तो आपसे तीन चीजें पूछी जा रही हैं, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना, एक बार ट्राई करो और आंसर बताओ, आंसर आपका आया कि नहीं आया। तो बच्चों ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूं, आप लोग मैच कर लेना। तो नाइट्रोजन और वाटर था, इस मिक्सचर को 15 लीटर से 5 लीटर में शिफ्ट किया गया, तो यहां पे टोटल प्रेशर दिया है, यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो मैंने यहां से ध्यान से क्या देखा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की बात कर रहा है, यानी यहां पर वेपर प्रेशर अगर बोल रहा है तो यहां पर लिक्विड भी होगा, वाटर वेपर फॉर्म में भी होगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी रहेगा, क्लियर है। तो यानी यहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है, वेपर फॉर्म में भी है, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी है, ठीक है। तो देखो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, डाल्टन्स लॉ में को याद है, टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा प्लस जो वाटर वेपर फॉर्म में होगा वो भी प्रेशर लगा रहा होगा, यानी प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोले, वेपर प्रेशर है। तो ये वैल्यू कितनी दी है 750 mm, और ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां पर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं, यहां पर कितना आएगा, ये 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मैंने कैलकुलेट किया, जो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन था वो 700 mm आ चुका है, यानी टोटल प्रेशर 750 mm लग रहा था, जिसमें से वेपर प्रेशर वाटर तो सिर्फ 50 mm लगा रहा था, और दूसरा कंट क्या कितना लगा रहा था, नाइट्रोजन 700 mm लगा रहा था, क्लियर है। और डाल्टन्स लॉ क्यों लगाया हम लोगों ने यहां पर, क्योंकि वो मिक्सचर में लगा सकते हो, तो यहां पर रिएक्शन तो नहीं हो रही है। अब दूसरी बात, यहां पर टोटल प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर और वेपर प्रेशर निकालते हैं। फिर देखो यहां पर वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होगा, वेपर फॉर्म में भी होगा, दोनों में इक्विलिब्रियम भी रहेगा। आ रही बात समझ में, तो लिक्विड फॉर्म में भी है वाटर और वेपर फॉर्म में भी है, क्लियर है। तो वेपर प्रेशर कभी भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो यहां 15 लीटर में जो वेपर प्रेशर था, वही 5 लीटर में भी वेपर प्रेशर सेम रहेगा। यानी यहां पर जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आएगा वो कितना आएगा, 50 mm। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट दिया, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब बात आती है टोटल प्रेशर और नाइट्रोजन का प्रेशर निकालो, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन यहां पर क्या है, नाइट्रोजन गैस है, और गैस का प्रेशर जो होता है हम लोगों को पता है बॉयल्स लॉ, तो प्रेशर कब चेंज होगा, अगर वॉल्यूम चेंज करोगे, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो वॉल्यूम के चेंज होने से क्या होगा, प्रेशर भी चेंज होगा। यानी यहां पर वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा लेकिन नाइट्रोजन का प्रेशर चेंज होगा। कैसे निकालोगे, P1E1 इक्वल टू P2V2, तो P1E1 इक्वल टू क्या लगाओगे, P2V2 लगाओगे। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यहां कितना है, 700 mm है, कितने वॉल्यूम में, 15 लीटर में। तो यहां पे आपको प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर। आधी बात समझ में आप लोगों को, तो यहां से मैंने कैलकुलेट किया, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो आ रहा है 2100 mm आ रहा है, ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है ना। तो यानी कंटेनर में अगर आप इस मिक्सचर को वहां शिफ्ट करोगे तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, गैस का प्रेशर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, बॉयल्स लॉ से। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन का प्रेशर आ चुका है और वेपर प्रेशर वाटर का आ चुका है, अब आपको टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, तो मैं यही बता देता हूं,
तो टोटल प्रेशर इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस जो वेपर प्रेशर है किसका, वाटर का। कैसे निकला, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, और आप इसको मिक्सर में लगा सकते हो, ये मिक्सर दिया हुआ है। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू आएगी, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है इतने mm है, वाटर का प्रेशर कितना है इतने mm है, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी 2150 mm। तो बच्चों आपको बात आ रही समझ में, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने भी सॉल्व कर ही लिया होगा, बहुत ही सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, इसको नोट कर लो।